अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फिजिक्स 101 के करंट पेपर जो है सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन, कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको मैं सारे का सारा जो ए टू जेड गाइड करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिस बुक के आपको नेक्स्ट करंट पेपर का सोल्यूशन चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह उसका मैं करंट पेपर का सलूशन जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ये जो करंट पेपर है ये मैंने एक इकट्ठा किया, तकरीबन 7-8 जो करंट पेपर लिए हैं उनमें से जो सेम टॉपिक थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं और जो डिफरेंट टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं, वो मैं आपको सारे का सारा इसी वीडियो के अंदर गाइड करूंगा, तो वीडियो कंप्लीट तक वॉच करिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो यार लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और इतनी एफर्ट हम लोग आपके लिए करते हैं, आप लोगों के लिए करंट पेपर जब सॉल्व करते हैं तो लाजमी एक वीडियो को लाइक कर दे करें। यार आप लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, वीडियो पे जो व्यू हो रहे होते हैं वो 144, 200, 300 भी ऊपर क्रॉस हो रहे होते हैं, जब लाइक देखते हैं तो 1-2 लाइक्स होते हैं, तो इससे हम डीमोटिवेट होते हैं, हमें हमारा दिल ही नहीं करता कि हम लोग लेक्चर आप लोग के लिए अपलोड करें, क्योंकि जाहिर है एक करंट पेपर को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। यहाँ पे ये जो करंट पेपर है 2022 के अंदर मैंने ये जो है वो सॉल्व किए हैं, इसके अंदर जितनी भी डिटेल चीजें मैंने आपको गाइड की हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, लाइक अब जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी बुक के अंदर हैं, कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो गूगल से सर्च आउट करनी पड़ी हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको मैंने नहीं राइट किया, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहां से उसको राइट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, नेट चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर। चार्ज कौन सा होता है कैपेसिटर के ऊपर? जाहिर है जी, चार्ज कैपेसिटर के ऊपर दो होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। अगर दोनों के अंदर सेम अमाउंट होगी चार्ज, मतलब पॉजिटिव के अंदर भी इक्वल अमाउंट हो, नेगेटिव चार्ज के अंदर भी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, तब हमारे पास क्या होता है, द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स जीरो। जाहिर है इधर भी 5 हो, इधर भी 5 हो, तो दोनों इक्वल हैं, तो अगर इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज भी इक्वल है, नेगेटिव चार्ज भी इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो आ गया हमारे पास। उसके बाद कहते हैं टेम्परेचर इज हाई, हीट इज हाई। कहते हैं अगर टेम्परेचर हाई होता है तो हमारी हीट का हाई क्यों होती है, एक्सप्लेन करें। लेकिन जी जो हमारे पास वाटर ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, इसी वजह से उनका टेम्परेचर हाई होता है। जो कूलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर लोअर काइनेटिक एनर्जी होती है, इसी वजह से उनका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जिसके अंदर टेम्परेचर हाई होगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और उसका टेम्परेचर हाई होगा। जो लो काइनेटिक एनर्जी रखेगा उसके अंदर लो टेम्परेचर होगा और उसकी हीट जो है वो लो होगी। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि हीट एनर्जी वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द वाटर और फ्लेम टू द मेटल, द मैक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद अ हाई विद अ हायर हीट इन अ सॉरी इज अ हाई टेम्परेचर। हॉटर ऑब्जेक्ट्स हैव अ हायर एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड हाई टेम्परेचर, कूलर ऑब्जेक्ट हैव अ लोअर एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड अ लोअर टेम्परेचर। वही बात जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की है। उसके बाद कहते हैं कैन अ बैटरी विल वर्क इफ यूज इन ट्रांसफार्मर, कहता है कि क्या बैटरी जो है वर्क करेगी अगर उसको ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया जाए। अब यहाँ पे एक बात सिंपल सी है, अगर इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे बैटरी को ट्रांसफार्मर के साथ तो भाई वो काम नहीं करने वाला, क्योंकि बैटरी जो होता है उसके अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप इसके वोल्टेज को अप कर सको कम कर सको, लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप उससे वोल्टेज को अप कर सकते हो डाउन कर सकते हो। तो आप इसको डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट करते हो बैटरी को ट्रांसफार्मर के साथ तो बेसिकली एक स्पाइक होगा और आपकी बैटरी जो है वो खराब हो जाएगी। ये चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, कहता है ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स एन एसी वोल्टेज एंड 18 वोल्ट बैटरी इज डायरेक्ट करंट, कहता है ये एक डायरेक्ट करंट होता है, देयर वुड बी अ मोमेंट्री स्पाइक, कहता है कि मोमेंट्री सा स्पाइक होगा, एक छोटा सा धमाका टाइप होगा, और आप जब आपकी बैटरी कनेक्ट की जाएगी बेटा ट्रांसफार्मर के साथ, कहता है ट्रांसफार्मर वुड बिकम अ सॉर्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ड्रेन द बैटरी बट वुड नॉट वर्क एज अ ट्रांसफार्मर, के भाई जो आपकी बैटरी है वो ट्रांसफार्मर के तौर पर काम नहीं कर सकती। यही हमारे पास क्वेश्चन था कि क्या बैटरी जो है वो ट्रांसफार्मर की तरह काम कर सकती है अगर इसको ट्रांसफार्मर के साथ यूज किया जाए या कनेक्ट किया जाए तो। उसके बाद अल्फा डीके का आपका पास टॉपिक है, अल्फा डीके का टॉपिक जो है लेक्चर नंबर 44 के अंदर उन्होंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां से जाकर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा थ्योरी ऐड करनी पड़ेगी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। कहते हैं व्हाट इज बैटरी शॉर्ट हाफ लाइफ और लॉन्ग हाफ लाइफ। अब यहाँ पे जो शॉर्ट लाइफ हाफ लाइफ है वो ज्यादा बेटर है, और ये भी आपको लेक्चर नंबर 44 का इसका पूरा टॉपिक मिल जाएगा, वहां से जाकर इसको रीड आउट करें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, इसको मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आया था नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने वाला। अब नेट रेजिस्टेंस जब होती है ना इसके अंदर दो चीजें होती है, सीरीज सर्किट होता है पैरेलल सर्किट, मैंने इसलिए दोनों का फॉर्मूला लिख दिया है
किसी भी आपको सर्किट का आई यहाँ पे न्यूमेरिकल तो आपको इजीली फाइंड करना होता है। अब सीरीज के अंदर आपने किस तरह फाइंड करना है और पैरेलल के अंदर किस तरह फाइंड करना है वो आपको बता देंगे साथ में। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है R1 प्लस R2 प्लस R3, और उसके अंदर हमारे पास पैरेलल के अंदर हमारे पास इक्वेशन गिवन है, सॉरी फार्मूला गिवन है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब एक बात आपने याद रखनी है कि सीरीज के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर क्या होता है, करंट कैसे होता है, ठीक है, उसके अंदर सर्किट के अंदर करंट कैसे होता है, वो आपको सारे सारा पता होना चाहिए। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसके अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो सेम होता है सर्किट के अंदर, बट पैरेलल के अंदर क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है। अगर मैं सिंपली बोलूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज आर डिफरेंट एंड करंट इज सेम इन द होल सर्किट, वाइल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम एंड करंट इज डिफरेंट इन द होल सर्किट। ये आप इन द होल सर्किट साथ में ऐड कर सकते हैं थ्योरी को ज्यादा लेंथी करने के लिए। मैंने अपनी वर्डिंग के अंदर चीजें लिखी हुई हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। उसके बाद हमारे पास आगे वाला नेक्स्ट पेपर आ गया, इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इंशाल्लाह वीडियो कंप्लीट एंड तक वॉच करें, मैं आपको चैप्टर्स भी गाइड करूंगा और एमसीक्यूज कहां से करने वो भी आपको गाइड करूंगा। कहते हैं डज योर बाथरूम मिरर शोज यू आर ओल्डर एंड यंगर देन यू आर एक्चुअली। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके जहन में यही चीज आई होगी कि जो हम हैं एक्चुअल के अंदर मिरर हमें वही चीज दिखाता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो मिरर है, कहते हैं द इमेज इन द मिरर इज एक्चुअली यंगर देन द पर्सन इज बाय फ्यू नैनो सेकंड। भाई ये फ्यू नैनो सेकंड आपको यंगर दिखाता है आपकी एक्चुअल एज से, हेंस द पर्सन विल सी हिम यंगर देन द एक्चुअल एज। भाई जो पर्सन होता है वो यंगर दिखता है अपनी एज से, कितने फर्क है, सिर्फ फ्यू नैनो सेकंड का फर्क है। अगर हम अपनी फिजिकल लाइफ के अकॉर्डिंग इसको देखें, हम यहाँ पे मैं ये कह दूं सिंपल वर्ड के अंदर कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में किसी से पूछेंगे कि आपके मिरर में आपकी वही शक्ल दिख रही है जो आपकी अभी एज है, तो हम कहते हैं जी बिल्कुल। लेकिन बट ऐसा नहीं है, फिजिक्स कहती है कि आप फ्यू नैनो सेकंड का इसके अंदर फर्क होता है आपकी एक्चुअल एज के अंदर और आपकी वो एज के अंदर जो आपको मिरर के अंदर दिख रही होती है। कंक्लूजन, देयरफॉर मिरर शोज द यंगर देन द एक्चुअल एज। ये मैंने बिल्कुल सिंपल वर्डिंग के अंदर आपको उनके लिए चीजें लिखी हैं, और इतनी सिंपल वर्डिंग के अंदर कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा इतनी सिंपल वर्डिंग के अंदर आपने आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। और इस फाइल को मैंने और सर के सामने मिलकर बनाया है, तो इंशाल्लाह एक लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें इससे हौसला अफजाई हो, और इंशाल्लाह इसी तरह भी नेक्स्ट मैथ के CS के हर बुक के लिए आपके लिए करंट पेपर जो सॉल्व करते रहेंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज, विल द ट्रांसफर ऑपरेट इफ अ बैटरी इज यूज फॉर द इनपुट वोल्टेज प्राइमरी। अब यहाँ पे सिर्फ इनपुट वोल्टेज एज अ प्राइमरी यूज हो रही है बैटरी, तो यहाँ पे काम चल जाएगा। क्योंकि हाई क्या होता है, हाई वोल्टेज आर यूज इन द ट्रांसमिशन सिस्टम बिकॉज अ हायर वोल्टेज इंप्लाइज अ लोअर करंट। जब आप हायर वोल्टेज भी जनरेट करते हो ट्रांसफार्मर से, तो उसका जो लो थोड़ा सा अमाउंट जो होता है वही सिर्फ ट्रांसफर होता है आगे, ठीक है। फॉर अ गिवन पावर ऑफ ट्रांसमिशन विद अ लोअर करंट, अगर आप लो करंट जनरेट करते हो तो उससे लेस हीट प्रोड्यूस होगी, और यही हम लेस हीट जब ट्रांसमिट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी कम वेस्ट होगी। यहाँ पे हम ज्यादा अमाउंट में एनर्जी अगर बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफर तो लो अमाउंट के अंदर ही होनी है, तो इसलिए अगर हम लो अमाउंट के अंदर ही एनर्जी क्रिएट कर लें तो हमारी एनर्जी जब बच जाएगी वेस्ट होने से ज्यादा, ठीक है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। उसके बाद कहता है कि इफ द फील्ड चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस इज नाउ नाउन बोथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज अनसेटिस्फाइड, कैन यू यूज गॉसियस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कहता है कि क्या आप गॉसियस लॉ को यूज करके ये फाइंड कर सकते हैं सरफेस। अब ये बेसिकली गॉसियस लॉ का जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने डिटेल से एक चीज लिखी हुई है कि गॉसियस लॉ के अंदर क्या होता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। वी कैन एक्सप्रेस द डायरेक्टली इन द टर्म ऑफ मैथमेटिक्स वी हैव लर्नड, थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर, यहाँ पे के ऊपर वेक्टर याद रखिएगा, उसके बाद इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज और एप्सिलॉन आर। यहाँ तक आप इसको जब कर लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि हमें किस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं, ये उसका फार्मूला हमें गिवन है। अच्छा, वह कहता है कि मैनी ट्रैफिक लाइट चार्ज व्हेन अ कार रोल अप इंटरसेक्शन, हाउ डज लाइट सेंस द प्रेजेंस ऑफ कार। कहता है कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं जो कि सिग्नल्स के ऊपर लगी होती हैं वो प्रेजेंस कैसे करती हैं, उनको कैसे पता लगता है कि हमारे यहाँ पे गाड़ी जो है वो आ चुकी है, वो कैसे मॉनिटर करती हैं। उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, सेंस करता है, किस चीज को सेंस करता है, कहता है कि ट्रैफिक लाइट सेंसर यूज द लूप उसको यूज करता है इन द सेम वे। कहता है इट कॉन्स्टेंटली वो देखता है क्या, टेस्ट करता है इंडक्टेंस ऑफ द लूप इन द रोड, एंड व्हेन द इंडक्टेंस राइज, जब इंडक्टेंस राइज होता है क्या होता है, कहता है उसको समझ आ जाती है कि क्या यहाँ पे फिटिंग कर रही है। अब इंडक्टेंस क्या होता है, मैंने यहाँ पे डिटेल से डेफिनेशन लिखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगले देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन हैज डी ब्रिगल वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ दी गई है 2.80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये 10 की पावर माइनस 10 मीटर इस तरह आना था, ये जिसने वो मुझे क्वेश्चन भेजे फ्रंट क्वेश्चन वहां पे उन्होंने इस तरह लिखा है, तो मैंने इस तरह यहाँ पे लिख दिया।
डिटरमाइन अ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम एंड इट्स अ काइनेटिक एनर्जी। ये बेसिकली लेक्चर नंबर 44 के अंदर मौजूद है। तो मैं आपको अभी इसी टॉपिक के अंदर बता देता हूँ कि कौन सा लेक्चर आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 44 से लेकर बेटा आपके लेक्चर नंबर 45 तक जितने भी चीजें ना, वो सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और एक दो न्यूमेरिकल जो पिछले वाले लेक्चर्स में से बनते हैं वो आपको साइड में गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और यहाँ पे पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। पी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे जो एच की वैल्यू ये कॉन्स्टेंट होती है, तो यहाँ पे एज इट इज पुट हो जाएगी। जो कॉन्स्टेंट हमारे पास हम लोग लेक्चर के अंदर पड़ी थी, लेक्चर नंबर 44 के अंदर, तो यहाँ पे आप जाकर देख भी सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यू हमें गिवन है, हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है, तो इसके लिए भी वहाँ पे आपकी बुक के अंदर इसी टॉपिक के अंदर फार्मूला गिवन है। आप जब ये लफ्ज लिख के कंट्रोल एफ करके सर्च करेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और वहीं पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा। आप इसका जो आंसर आएगा आप यहाँ पे पुट करके निकाल लीजिएगा। मेरे पास टाइम कम था तो इस वजह से मैंने इतना ही लिखा है। सुबह कहता है व्हाट बिकम्स आइसोटॉप्स दैट अंडरगोस अल्फा डिके व्हिच प्रोड्यूस अ हायर काउंटिंग रेट और रेडिएशन डेक्टर, अ ग्राम ऑफ रेडिएक्टिव हैविंग अ शॉर्ट हाफ लाइफ और ग्राम हैविंग अ लॉन्ग हाफ लाइफ। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये भी लेक्चर नंबर 44 के अंदर ही अवेल है, पिछले वाले लेक्चर की तरह अल्फा डिके के अंदर जब आप टॉपिक पढ़ेंगे आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, तो इस वजह से मैंने इसको राइट नहीं किया। उसके बाद एक्सप्लेन सोलर जोन एंड व्हाट इज इट अनदर नेम। अब यहाँ पे सोलर जोन का जो टॉपिक है वो भी लेक्चर नंबर 45 के अंदर मौजूद है, वहां से जाके फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ किस तरह हम लोग क्वेश्चन फाइंड करते हैं गूगल से, तो वो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने इसलिए छोड़ा था मैं आपको ताकि फाइंड करने का तरीका बता सकूँ। कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अ नेगेटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे जब आपने किसी भी क्वेश्चन को फाइंड करना होता है आप सिंपली इसको कॉपी किया करें। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने चले जाना है गूगल के ऊपर, गूगल पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह जैसे आप इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर जो है वो शो होने लगेगा। लेकिन आपने देखना होता है कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसका कौन सा आंसर बनता है, फिर ये मेन चीज होती है। अब यहाँ पे देखें उसने कहते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, एक पॉइंट होता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कहता है व्हाइल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज नीडेड टू मूव अ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ पे इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा। ये मैं आपको यहाँ पे इसको आप इस तरह वेबसाइट को ओपन करके फिर चेकआउट कर लिया करें, इसके आगे लाइन फिर आगे इसकी वेबसाइट के अंदर दी होती है। तो यहाँ पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप यहाँ से इस तरह कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ले जी कलर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें, कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दें, इसकी अलाइनमेंट करनी है तो अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ गया है डिफाइन यूक्वा फोर्स। अब यहाँ इसकी रेंज भी बतानी है, यूक्वा फोर्स भी आपने बतानी है। अब यूक्वा फोर्स जो है इसका मुझे ज्यादा कुछ किसी बुक में तो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, तो मुझे गूगल से जो एक्सप्लेनेशन मिली है मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद इसकी रेंज होती है 1 मीटर होती है, लेक्चर लेंथी और ऐसे मैं जल्दी जल्दी बता दूं आपको। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आगे वाले लेक्चर के अंदर फंक्शन ऑफ वेव्स दिया गया। फंक्शन ऑफ वेव्स क्या होते हैं, वेव्स बेसिकली आपको बताती हैं कि आपका जो जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट क्या है, क्या वो मूविंग स्टेट के अंदर है, क्या वो रेस्ट की स्टेट में है, क्या वो मोशन की स्टेट में है, क्या उसका टेम्परेचर अप जा रहा है, क्या उसका टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो क्या कर रहा है, सारी की सारी जो आपको चीजें बताता है फंक्शन ऑफ वेव बताता है। कि वेव फंक्शन इन क्वांटम फिजिक्स रेफर टू अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पार्टिकल्स क्वांटम स्टेट। पहले क्या कहता है, क्वांटम स्टेट बताता है एज अ फंक्शन ऑफ स्पिन टाइम मोमेंटम एंड पोजिशन, ठीक है। उसके बाद लाइट वाले टॉपिक से एक शॉर्ट आया था और दो न्यूमेरिकल आए थे। अब ये लाइट वाला टॉपिक जो है वो आप जब बुक के अंदर लाइट क्लिक कर सर्च करेंगे आपको वहां पे टॉपिक मिल जाएंगे, तो उनको टॉपिक आप एक बार देख लीजिएगा। कहता है व्हाट हैपन व्हेन द टेंपरेचर इंक्रीज इन अ ट्यूब, और दूसरा एक और टॉपिक पे था कि माउंटेन पे ठंडी हवा क्यों चलती है, व्हाट हैपन व्हेन द टेंपरेचर इंक्रीज इन अ ट्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास एक आपको मैं सिंपली बता दूं, यहाँ पे माउंटेन के ऊपर ठंडी हवा क्यों चलती है, उसकी एक ही रीजन है। जैसे ही आप खला के ऊपर जाएंगे, कहता है एज वी गो हायर एल्टीट्यूड, यहाँ पे मैंने इसके सिंपल भी लिखा है कि एज वी गो अप द डेंसिटी ऑफ एयर इज डिक्रीज सो एयर इज कूल्ड। ये मैंने सिंपल वर्डिंग के अंदर लिखा है और इसको मैंने यहाँ पे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। एज यू गो टू हायर एल्टीट्यूड देयर आर लेस एयर मॉलिक्यूल्स पासिंग डाउन ऑन यू, सॉरी पुशिंग डाउन ऑन यू, व्हेन द प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज। जब प्रेशर होगा गैस का डिक्रीज तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, जब प्रेशर गैस का इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि जब आप हवा के अंदर जाते हैं तो आपकी एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, दैट्स व्हाई वहां पे ठंडी हवा चलती है माउंटेन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आगे वाले कुछ चीजें दी गई हैं,
यहाँ पे क्वांटम वाले में से एक जो है ना वो क्वेश्चन आया, तो क्वांटम क्या होता है? क्वांटम आर द सेट ऑफ नंबर दैट आर यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और एनर्जी को डिफाइन जो चीज करती है हम कहते हैं क्वांटम। इसे हम क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। देर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। ठीक है, सुबह कहता है क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ क्वांटम सिस्टम कंजर्व क्वांटिटीज। उसके बाद एक लोंगा, एक यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस दिया गया एक रेडियो सिग्नल के अंदर एक लाइट वेव के अंदर। अब दोनों ही क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, मतलब रेडियो वेव्स भी और इलेक्ट्रो लाइट वेव्स भी दोनों क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस इज देयर फ्रीक्वेंसी। जाहिर सी बात है लाइट वेव की अलग फ्रीक्वेंसी होगी, रेडियो वेव की अलग होगी। कहते हैं रेडियो वेव्स आर क्रिएटेड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडियो एंटीना। उसके बाद एंड लाइट वेव्स आर क्रिएटेड बाय द ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब मूवमेंट, हरकत ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द आइटम। ठीक है, तो शॉर्ट में हमारे पास आगे चीजें आई हैं। एक कंसेप्चुअल कुकर वाला भी है, मुझे भी नहीं मिला कुकर वाला टॉपिक कहाँ पे, अगर आपको मिले तो मुझे भी बता दीजिएगा कौन से लेक्चर के अंदर यहाँ पे दिया गया है। सुबह मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक जो है ये भी लेक्चर नंबर 44 की रेलेवेंट ही है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स वाला भी लेक्चर नंबर 44 के अंदर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको पीएच मंत्री के हैंड आउट इसको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे चीजें, ताकि आपको ये ना रहे कि सर ने हमें कुछ चीजें जो छुड़वा दी हैं और कुछ चीजें यहाँ पे सिर्फ बताई हैं। मैं यहाँ पे हैंड आउट ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको प्लस में साथ में ये भी चीजें जो है साथ में गाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स को। मैं आपको सिर्फ एक चीज सर्च करके बताऊंगा, बाकी आप खुद जो है यहाँ पे सर्च कर लीजिए अगर टाइम कम है। और अगर मैं हर एक चीज जो आप लोगों को सर्च करके बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, कुछ जो चीजें लॉन्ग चीज फिर मैंने उनको स्क्रीनशॉट लेना उसके मुनासिब नहीं समझा, इससे मैंने यहाँ पे उसको ऐड नहीं किया। यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स लिखें। ठीक है, यहाँ पे ये आपके देखें यहाँ पे हमारे पास पूरा जो है इसका लॉन्ग एक पूरा न्यूमेरिकल बनता है। आप यहाँ पे इसको ये देखें ग्रेविटेशनल फोर्स, अब इसका यहाँ पे पूरा लॉन्ग न्यूमेरिकल बनता है। आप इसको सर्च करें, जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स देखें लिख के सर्च करते हैं आप, सिर्फ आपको यहाँ पे देखें चार सर्चेस की मिल रही हैं। आप सर्चेस से फाइंड करें आपको कौन सा टॉपिक जो है वो यहाँ पे इस चीज का रेलिवेंट है, तो आप उसको फिर यहाँ पे सारा इसको रीड आउट कर लीजिए। मेरे बताने का मकसद यहाँ पे ना लिखने का सिर्फ मकसद एक ही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरा क्वेश्चन गिवन नहीं है कि ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर क्या फाइंड करना है, क्या करना है। अब जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ इसका, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको ये चीज गाइड की है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पूरे कंप्लीट यहाँ पे नहीं लिखे होते, इसमें मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। कहते हैं व्हाट इज द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट बिटवीन ऑल चार्ज पार्टिकल्स वेदर दे आर नॉट मूविंग, वेदर दे आर मूविंग और नॉट। ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट बिटवीन द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, मतलब क्या है? मतलब वो कहता ये है जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो मूविंग चार्ज के ऊपर भी काम करती है और रेस्ट हालत के अंदर जो चार्जेस होते हैं उनके ऊपर, उनके अंदर भी काम करती है। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो जस्ट मूविंग चार्ज के ऊपर काम करती है, रेस्ट वाली हालत के अंदर चार्जेस के ऊपर काम नहीं करती। तो व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक एंड क्वांटम मैकेनिक। अब जो क्लासिकल मैकेनिक होता है बेटा वो यूज करते हैं हम स्टडी करने के लिए लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए, और जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स होता है हम यूज करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहीं पे मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिखा है बहुत डिटेल से। क्लासिकल मैकेनिक डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अब मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज ऑब्जेक्ट्स। अब इसी तरह अगर हम क्वांटम की बात करें तो उसके अंदर हम किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं? माइक्रोस्कोपिक बॉडीज को, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कहता विच हैव रिलेटिवली स्मॉल वेलोसिटीज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कहते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से थोड़े से स्मॉल होते हैं अगर इनको कंपेयर किया जाए। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज सच एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स एंड अदर स्मॉल बॉडीज। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको साथ में गाइड कर दिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी गाइड कर दिए, आपको प्लस में चैप्टर भी बता दिए कि लेक्चर नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने करने हैं, कि आपकी अच्छे तरीके से वो लॉन्ग शॉर्ट की प्रिपरेशन हो जाए। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक मशन जरूर करिएगा। जाते जाते मैं आपको एमसीक्यू बता दूँ कि कहाँ से आपने करने हैं। एमसीक्यू के लिए आपको मैं फाइल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से कर लीजिएगा। वहां से कुछ ज्यादा एमसीक्यूज लग रहे हैं बट लेंथी है थोड़ी सी फाइल, बट आप इसको एक बार देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चैनल पर न्यू यार सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा एफर्ट करके मैंने आप लोगों के लिए ये चीज बनाई है। ठीक है, और वंस एंड अगेन सर अस्कर साहब को भी थैंक यू करूंगा कि उन्होंने हेल्प की मुझे फिजिक्स 101 के अंदर ये चीज क्रिएट करने के लिए। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।